माँ का बेरहम चेहरा आया सामने, मासूम बच्चों को गर्म छुरी से दी चटके। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कहा जाता है कि बच्चों की सबसे ज्यादा हिफाजत अगर कोई कर सकती है तो वो माँ है, और अगर माँ ही जल्लाद बन जाए तो बच्चों का क्या होगा। ऐसे ही एक बेरहम माँ की करतूत सामने आई है। इस बेरहम माँ का नाम है फिरदौस। इसने अपने एक साल की बेटी और ढाई साल के बेटे को घर में बंद करके छुरी आग से गर्म करके इन दोनों बच्चों के बदन पर चटके दिए। दर्द से ये मासूम बच्चे बिलखते रहे, मगर इस बेरहम माँ को अपने बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आया। हाथ पैर पीठ पर गर्म छुरी से मासूम बच्चों को जलाती रही। घटना है दहिसर मोरी स्थित ठाकुर पाड़ा के स्टार चाल की। दरअसल पड़ोसियों ने जब बच्चों के शरीर पर जलने का निशान देखा तो कलेजा इनके मुंह को आ गया। पड़ोसियों ने इसकी माँ से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब भी हैरान करने वाला इस बेरहम माँ ने दी। क्यों जलाई तूने बच्चों को? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। मेरी मर्जी तो मारे जाएगी। क्या? ये इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको जला दिया, तुमको दर्द नहीं आया इसका जलाने का? हाँ, हालांकि पड़ोसियों ने इसकी सूचना डायघर पुलिस को दी और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बच्चों सहित उसकी बेरहम माँ फिरदौस को भी डायघर पुलिस स्टेशन लाया गया, मगर खबर चलने तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। और हैरानी तो इस बात से भी होती है कि क्या हैवान बनी माँ के हाथ जरा भी मासूम बच्चों को गर्म छुरी से चटका देते हुए नहीं कांपे। जरा सुनिए इस जल्लाद बनी माँ के बारे में पड़ोसियों ने क्या कुछ बताया है। ये आपके सामने जो घर है, इसमें क्या जो दो बच्चों को मारा है, किस चीज से उसने मारी है, जलाई है? वो छुरी को गर्म करके उसने पूरे बच्चे लोग के बदन पे, दोनों के बच्चों पे दाग दिए, और सजा तो मतलब बोल रही थी कि मट्टी खाने की वजह से सजा दी उन्होंने, मट्टी खाने। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने ताबड़तोब उसको कंप्लेंट करी कि अगर ऐसी हरकत देखूंगी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह उसने जलाई है बच्चों को, छुरी गर्म करके। हाँ, छुरी गर्म करके। कितने उम्र कितना होगी बच्चों की, जिस बच्चों को जलाई? लड़के की उम्र शायद 2 साल होगी और लड़की की एक साल के ऊपर ही होगी। तो आप जो है उनके घर के सामने ही रहते हैं, तो ऐसा कभी बच्चों के साथ और भी पहले कभी कुछ हरकत कर चुके हो? हाँ, पहले तो एक बार और हो चुका है ऐसा कि उसने मतलब दरवाज़ा बंद करके बच्चों को बहुत देर से गायब थी, और बच्चे अंदर रो रहे थे, तो हम लोग सब चाली वाले मिलके दरवाज़ा तोड़ के बच्चों को निकाले थे। और अक्सर करके ऐसा होता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं रहती है घर पे, बच्चे अंदर चिल्लाते रहते हैं, तो हम लोग चाली वाले ही मिलके कभी खोलते हैं, बच्चों को यहाँ बिठाते हैं, कुछ भी खाना पीना हो तो दे देते हैं। आप क्या कहेंगे जो ये घटना हुई है सामने आपके, तो बच्चों को जिस तरह से जलाया? हाँ, तो क्या है, अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो हम लोग को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ बच्चों को इस तरह से जलाया, इसलिए हम लोग चाली के सब आदमी लोग दौड़ के इधर आए, आके देखे तो क्या बच्चों को इधर बिठा के रखे और बच्चों को जलाए हुए और जगह पे मौजूद नहीं है ये। तो अब ये हुसैन भाई वगैरह जो है, सफिया मैडम है इधर के, प्रेस रिपोर्टर है, ये लोग दौड़ के आए, इन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को बुलाए, अब बाकी का भी जो भी कार्रवाई जो है अभी जो है सामने है। और पहले भी एक टाइम इसका ऐसे ही हो चुका था, पूरी चाली खड़े हो गई और वो कहती है कि मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ भी करूँगी, कोई बोलने का नहीं, और जो आदमी बोलने जाता है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम डाल देती है। क्या गलत इल्ज़ाम? क्या वो बोलती है, ये आया था मेरे दरवाजे पे रात को 3 बजे दरवाजा ठोका था, मेरे को 2 बजे दरवाजा ठोका था, ऐसा चाली के जो बच्चे हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम देती है, झूठे इल्ज़ाम है। अच्छा, हाँ, बाकी का ये जो भी अभी कार्रवाई इसके ऊपर जो है, पुलिस आई है यहाँ पर लेके? हाँ, पुलिस आई है, पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके उसको और उसके बच्चों को ले करके गए हैं, अब जो होगा आगे देखेंगे। पड़ोसियों के अनुसार ये कोई पहला मामला नहीं है, मासूम बच्चों पर इसने पहले भी सितम ढाया है। इसके पहले भी घर में बच्चों को हैवान बनी माँ ने बंद कर दिया था। उस वक्त पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला था, मगर अब मामला डायघर पुलिस में पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस महिला पर कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।